देखिए CH3CH2OH, ये हमारे इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। ऐड करेंगे सोडियम यानी Na। रिएक्शन क्या बनेगी, देखिए सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव, तो ये बनेगा CH3CH2ONa प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस इवॉल्व हो गई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, और इसका नाम क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। सो बस यही था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वी जनरेट, यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो सॉइल में डिकम्पोज नहीं होता। अगर वो सॉइल में डिकम्पोज नहीं होता तो सबसे पहले क्या करेगा, लैंड पॉल्यूशन यानी कि सॉइल पॉल्यूशन कह सकते हैं, एक ही बात है, लैंड पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन, है ना। फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो क्या भी नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता। अगर वो डिकम्पोज नहीं होता यानी ब्रेक डाउन नहीं होगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा, और क्या हो सकता है। नंबर 3, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल, डिस्टेंस कितना गिवन है, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, वेयर इज द नीडल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो कैलकुलेट्स द पावर। अब ये लाइन समझने वाली है कि इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है कि जो एच आई है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी हुई, 1 हो गई। और क्या कहता है, कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यानी ये क्या गिवन है आपको, वी, वी की वैल्यू कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेयर इज़ द नीडल टू बी प्लेस्ड, यानी आपको क्या कैलकुलेट करनी है, यू कैलकुलेट करनी है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस सॉरी प्लस वी बाई यू, क्योंकि हमारा क्या है, लेंस है, प्लस वी बाई यू, यानी आपका क्या आएगा, -50 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई, -50। बस ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें पावर भी कैलकुलेट करनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू 1 बाय f इन मीटर। उसके लिए कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, आपको लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी 1 बाय f इज इक्वल्स टू 1 बाय u प्लस 1 बाय v, ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगी। बस क्वेश्चन नंबर 4, अ ब्राउन सब्सटेंस एक्स ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म सब्सटेंस वाई, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड वाई इट अगेन चेंजेस बैक टू एक्स नेम एंड एक्स एंड वाई। इसका मतलब ब्राउन सब्सटेंस एक्स है जिसको हीट करने से वो वाई देता है, यानी कि एक्स कोई सब्सटेंस है, उसको हमने एयर में हीट दिया यानी ऑक्सीजन क्या कर दी, ऐड कर दी, तो वो क्या कंपाउंड बना लेगा, वाई बना लेगा। तो एक्स ब्राउन सब्सटेंस कौन हो गया, कॉपर, प्लस उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो हमारा सब्सटेंस क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। फिर क्या कहते हैं, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड वाई, यानी CuO, इसमें से क्या पास कर दी जाए, हाइड्रोजन गैस पास कर दी जाए, देन इट बिकम्स अगेन टू एक्स, यानी अगर CuO में हाइड्रोजन गैस पास कर दी जाए तो वापस ये क्या बना लेगा, कॉपर प्लस वाटर, यानी वापस एक्स सब्सटेंस आ जाएगा। तो ये आपकी 2 रिएक्शन थी, फर्स्ट रिएक्शन कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, फिर कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो कॉपर प्लस वाटर बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्ब्रो गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू, स्पेशल टिश्यू का नाम क्या होता है, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा वो वॉल होती है जो यूटेरस के बाहर लगी होती है, जो बेबी को फीड करवाने में हेल्प करता है।
गिव द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू, ये क्या करती है, एक तो प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टिव लेयर है, और दूसरा क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, फिटस को यानी बेबी को, ठीक है जी। नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये यूटेरस वॉल जो होती है हमारी, उसके बाहर की एक लेयर होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द यूटेरस वॉल, यानी यूटेरस के बाहर जो होती है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, वॉल बन जाती है, उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉल्यूशन एक्स यूज फॉर वाइट वॉशिंग, नेम एक्स एंड इट्स फॉर्मूला। जो वाइट वॉश के लिए सब्सटेंस यूज होता है वो कौन सा होता है, वाइट वॉश के लिए सब्सटेंस यूज होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया CaO। इसकी रिएक्शन विद वाटर, CaO प्लस वाटर क्या दे देगा ये हमारे पास, CaOH ट्वाइस प्लस हीट, यानी कि ये क्या है आपका स्लेग लाइम, ये था आपका क्विक लाइम, इसमें वाटर ऐड कर दिया तो अब आपकी रिएक्शन ये फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ हाइपरमेट्रोफिया, हाइपरमेट्रोफिया होता क्या है, हाइपरमेट्रोफिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी आपकी आई का एक डिफेक्ट होता है जिसमें आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते, ठीक है जी। ऐसा डिफेक्ट जिसमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते वो है आपका हाइपरमेट्रोफिया। इसके कॉजेस क्या हैं, कॉजेस क्या होते हैं इसके, इसमें आपकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एंड शॉर्टनेस ऑफ आईबॉल, आईबॉल जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है, इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, इसको करेक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है, टू ओर, दो ओर है हमारे पास ए एंड बी, टेकन ऑन हीटिंग, ओर ए गिव्स CO2 एंड सेकेंड गिव्स SO2, वट विल यू, हाउ विल यू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम द ओर, यानी एक में CO2 छोड़ रहा है तो आपका ओर कैसा था, कार्बोनेट ओर था, तभी आपके पास क्या आई, CO2 आई, और सेकेंड ओर का नाम क्या था आपका, SO2 यानी सल्फेट ओर था, सल्फेट ओर था या सल्फाइड था, कोई भी हो सकता है सल्फाइड या सल्फेट। कार्बोनेट ओर के लिए फॉर एग्जाम्पल ZN प्लस कार्बोनेट ओर जैसे कि ZnCO3, इसको किस प्रोसेस से करवाएंगे, कैल्सिनेशन प्रोसेस करवाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ZnO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, फिर इस ZnO को हम लेंगे, इसको क्या करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जिंक प्लस ऑक्सीजन, यानी जिंक मेटल हमारे पास रिसीव हो जाएगा। और जो सल्फेट ओर था जैसे कि मरकरी सल्फाइड HgS, इसको हम कौन सी प्रोसेस से करवाएंगे, रोस्टिंग प्रोसेस करवाएंगे, रोस्टिंग प्रोसेस करवाने से हमारे पास मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बचेगी, फिर इस मरकरी ऑक्साइड को हम क्या करवाएंगे, रिड्यूस करवाएंगे यानी रिडक्शन रिएक्शन करवाएंगे, फिर हमारे पास मरकरी प्लस ऑक्सीजन आ जाएगी, तो मरकरी इस तरीके से हमें क्या हो जाएगा, मेटल रिसीव हो जाएगी, ये आपका मेटल A था, ये मेटल B था, ठीक है जी।